केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी पढ़ना उसी उम्र में शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे जिसपे आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। भाई जब बुनियाद ही दुखता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे, उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुकुम को कानून समझो। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब कॉपी खोले बैठे रहते, शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब की हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, और कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, लिसन टू अमीना, दरअसल, स्पेशल, भाइयों भाइयों, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। इसके 1 घंटे तक एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकाले, लेकिन असफल रहा। मैं छोटा जो था और उनसे पूछने का साहस ना था। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। तो भाई मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी कॉपी लेकर बैठना पहाड़ था पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल के मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पे चढ़ के नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पे सवार उसको आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। मगर कमरे में लौटते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देख के मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर ही तो खेल रहा था, और मेरा मौन ये कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई और इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करे। अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा तुमको, एक अक्षर किसे कहते हैं। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, यार रात दिन आंखें खोलनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती भी क्या साहब, कहने को बस आ जाता। अरे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, और बोलना तो दूर रहा। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम इतने बड़े घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो, और नहीं देखते तो भैया ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अरे इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे कभी देखा जाते हुए? हाँ मुझे देखा, आए दिन क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, पर मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। देखो अगर तुम्हें अपनी उम्र इस तरह गवानी है तो बेहतर होगा अपना बोरिया बिस्तर बांधो और गांव चले जाओ, और खेलना मजे से गुल्ली डंडा। इस दादा की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों बर्बाद करते हो गधे कण के? नहीं ये लता सुनकर आंसू बहाने लगता। भाई जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेशी कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, अरे ऐसी ऐसी सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, और हिम्मत हिम्मत तो बस छूट ही जाती। ऐसी जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं खुद में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता क्यों ना गांव ही चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे चक्कर भी आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते, और मैं ये इरादा करता कि अब से जी लगा कर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। भाई बिना कोई स्कीम तैयार किए
बिना कोई नक्शा बनाए काम कैसे शुरू किया जाए, तो टाइम टेबल से खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। तो चलिए टाइम टेबल बनाते हैं। सुनिए, प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक बोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा भोजन करना और आधा घंटा टहलना। उसके बाद 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन और फिर अनुवाद और हिंदी और फिर विविध विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के से झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के उतार भाग, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अब याद और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आखिर पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को मेरी नसीहत और खजियत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से दूर भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में इंसान मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, मैं भी ठीक उसी प्रकार फटकार और घुटकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। अब उनके और मेरे बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। मैं तो आया नहीं भाई साहब, बड़े हाथ तो ले लूं, कहां गई आपकी वो घोर तपस्या, मुझे देखिए मजे से खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन वो बेचारे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके इस घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब तो मुझ पर नारा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मुझे देखिए मजे से खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन जबान से हेगड़ी जताने का साहस ना होने पर भी फिर रंग मुझे साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक तो मुझ पर ना रहा, भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय घर लौटा तो भाई साहब ने मारा तलवार खींच लिया, मैं टूट पड़े। एकता उस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाई साहब घमंड तो बड़े बड़े को नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? देखिए भाई साहब, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा आप सबने, क्यों तुमने भी पढ़ा होगा, उसके चरित्र से कौन सा उद्देश्य लिया, अरे वही पढ़ गए। देखिए महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण रावण भूमंडल का स्वामी था और ऐसे राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, चक्रवर्ती राजा। अंग्रेजों के राज्य का विस्तार कितना बड़ा था कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, संसार में अनेक राज अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। पर रावण रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी उसे महीप कर चुकाया करते थे, बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे, गुलामी, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, दास। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला ना बचा। इसलिए भाई साहब मेरा कहना है, इंसान चाहे जो कुकर्म करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और तीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का भी हाथ पड़ा होगा तुमने, क्यों उसको भी अहंकार था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। लेकिन अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से निकाल के नर्क में ढकेल दिया गया। शायरूम शायरूम को भी एक बार अहंकार हुआ था, कोड से मरा था, कोड से। और तुमने तो केवल अभी एक दर्जा पास किया, तुम्हारा अभी से सिर फिर गया। तो बेटा तुम ये समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, खाली अंधे के हाथ बटेर लग गई है बटेर। और टेर भी भाई साहब एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं, अरे कभी कभी तो गुल्ली डंडा में भी अंधा चोर निशाना पड़ जाता है।
पर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई भी वार खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे कर्जे में आओगे ना तो तले पसीना आ जाएगा जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और साथ साओ के नाम याद रखना आसान समझते हो? देखिए भाई साहब सुनिए, अरे आठ आठ तो हेनरी हो गुजरे, अरे कौन से गांड कौन से हेनरी के कान में, याद रखना आसान समझते हो? अरे सात हेनरी की जगह आठ हेनरी लिखा और सारे नंबर गाया। समाचार सिफर भी ना मिलेगा, सिफर ही नहीं, जीरो। अरे हो किसका याद में, दर्जनों तो जेम्स में, दर्जनों मिलियंस कोडियो चार रही ना, भागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे जोरी होते। और जब एंट्री, और जब एंट्री तो भाई साहब खुदा की पना है, से पूछता आखिर आ बाजा में क्या फर्क है। अरे भाई साहब आप ही बताओ, इंसान ने बाहर दाल रोटी खाई है, दाल भात रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? कहीं तो पेट में। लेकिन नहीं, अगर आपको परीक्षा में पास होना तो ये सारी घुरापाते आपको याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो कि चार पन्नों से कम ना हो। अब इम्तिहान में बैठे कलम को हाथ में लिए अपने कर्म को रोइए। अरे कौन नहीं जानता भाई साहब, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, इंसान के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन इतनी जरा सी बात को कोई चार पन्ने में कैसे लिखे? आप एक वाक्य में कहीं जा सकते, उसे चार पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? आपको परीक्षा में पास होना है तो ये आपको चार पन्ने रखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे पुलिस के ही मकान। छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अरे हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कहे, अपनी राह ले। नहीं, अब कहा जाता है संक्षेप में लिखो। कि समय की पाबंदी पर एक संक्षेप में एक निबंध लिखो जो कि चार पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में भाई साहब चार पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 लिखवा लेते। अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को ना इतनी भी तमीज नहीं। और ऊपर से तुर रहा है कि हम अध्यापक है। देखो मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब मालूम होगा तुम्हें यहाँ के दाल का भाव। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ 5 साल। जिंदगी का तजुर्बा मुझे है ना, तुम्हें कभी नहीं हो सकता, इसलिए जो कहता हूँ ना उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकटता, नहीं तो ईश्वरी जानी उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, जब पास होने पे ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पे तो ये आदमी मेरे प्राण ही ले लेता। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। बस स्कूल छोड़कर कैसे नहीं भागा ये ताजुब है, मैं तो भाग जाता भाई साहब। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि जो की त्यों बनी रही, खेल कूद का कोई अवसर आज से ना जाने देता, पढ़ाई भी करता मगर बहुत कम, इतनी कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। फिर सालाना इम्तिहान हुआ
और संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हो गया। और भाई साहब बोलिए बोलिए बोलिए, अब मैंने उतनी मेहनत ना की थी मगर ना जाने कैसे दर्ज में अव्वल आ गया, तो दचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, लेकिन बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी और जब नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी अब बात ही हो गई, मैं भी फेल हो गया होता तो उन्हें इतना दुख तो ना होता। खैर विधाता की बात कौन टाले। अब उनके और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो उनके बराबर हो जाऊं, वो किस आदत में मेरी फजीहत कर सकेंगे हैं। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक दिल से निकाल डाला। सॉरी 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 हनुमान जी, आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हाँ मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, अवश्य बुरा लगता है मुझे, लेकिन ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों के साथ। अब की बार भाई साहब बहुत कुछ नम बढ़ गए, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो समझ गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें ना रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मैं उनकी सही सुनता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा पैदा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर जो बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब वो भी बंद। भाई मुझे कनकोई उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ था, पतंगबाजी। सारे लौंडे उसके पीछे पीछे और मैं भी उसके पीछे पीछे बेतहाशा दौड़े जाता था। अब सारा समय पतंगबाजी को भेंट होता, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नजरें बचा के कनकोई उड़ाता था। मान जा देना करने वाला पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, सारी समस्या गुप्त रूप से हल की जाती। भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका लिहाज और सम्मान मेरी नजरों से कम हो गया। और एक दिन संध्या समय होस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पतंग की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतंग की ओर जा रहा है, जहां सब कुछ समतल है। पार्कों की पूरी सेना उस पतंग को पकड़ने में लग गई, किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानव उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई खबर नहीं है। मैं भी उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? अरे तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि तुम अब नीची जमात में नहीं बल्कि आठवीं जमात में हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे? अरे कौवे के लिए दौड़ रहे हैं। अरे आखिरकार आदमी को अपने पोजीशन का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। भाई साहब एक जमाना था जब लोग आठवीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, बड़े बड़े विद्वान भी उनकी मातहती में काम करते थे, और ये बाजारी लोगों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हैं। अरे मैं ऐसे कितने मिडलचियों को जानता हूँ जो आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है, और कितने आठवें दर्जे वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी है। अरे अब तो तुम सोचते होगे कि मैं तो भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूँ तो उन्हें मुझसे कुछ कहने का हक नहीं, पर ये तुम्हारी गलती है। मैं 5 साल बड़ा हूँ, 5 साल, और अगर तुम मेरे जमात में भी आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह है कि तुम अगले साल मेरे समक्ष हो जाओ और उसके अगले साल शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो ये 5 साल का फर्क है उसे तुम तो क्या वो भगवान भी नहीं मिटा सकता। अरे जो मुझे इस दुनिया का तजुर्बा है ना उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, भले तुम एमएडी फील पीएचडी सीएचडी ये क्यों ना कर लो। अरे भाई साहब समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, हमारी अम्मा ने भी कोई दर्जा पास नहीं किया था
और दादाजी भी शायद पांचवी जमात के बाद आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का हमेशा अधिकार है। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे और तुमसे इस दुनिया का ज्यादा तजुर्बा है। अरे अमेरिका में क्या राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितनी शादियां की, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें चाहे ना मालूम, पर ऐसी हजार बातें हैं जिनके उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा ज्ञान है, समझे? आज भगवान ना करे कि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव भूल जाएंगे और दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो ना, तो ना किसी को तार दे, ना घबराए, ना बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर उसकी इलाज करेंगे, और अगर उसमें सफल ना हुए तब डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाए। जो कुछ दादा भेजते वो हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं, और उसके बाद पैसे पैसों के मोहताज हो जाते हैं। अरे नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। एक बात ध्यान रखो, जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपने पूरे जीवन का सबसे बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर पूरे 9 आदमी थे। अरे ये सब छोड़ो, अपने हेडमास्टर साहब को तो जानते हो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए का तनखा पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। अरे मास्टर साहब की सारी डिग्रियां फेल हो गई थी यहाँ के, पहले घर का खर्च खुद संभालते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी अम्मा ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है ना, तब से जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। वाह, तुम ये सोचते होगे भाई साहब से अब समीप हो गया हूं, मेरी बातें तुमको जहर लग रही होंगी, समझता हूं मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के लिए मेरे मन में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुए। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, अब जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और आपको कहने का अधिकार है। मैं तुम्हें कंधों पे लूटने के लिए नहीं रोकता, लेकिन क्या करूं, अगर मैं भी इस तरह बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? करने की आपके पास इतनी ताकत है तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं।
दो साथी और कबीर और पान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। समझा बच्चों, दिस इज क्लास है, कोई कोई परफॉर्मर कोई ऑडियंस नहीं, हम सब एक ही, ये क्लास है सिर्फ उस बात को समझने की कि भाषा, भाषा के साथ संगीत, संगीत के साथ उसको कहना, उस संगीत को समझना, उसके साथ बोलना, महसूस करना, ठीक है ना, किसी बात को महसूस करना, आपको जो कुछ बोलना है उसे पहले महसूस करना पड़ेगा, दूसरे को सुनाना है तो महसूस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात को समझ समझ के गाइज। जय श्री राम। सबसे पहले और आप बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई यूट्यूब पर, उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत टाइम से अपने जो रिहर्सल है उस पर ध्यान दे रहा था, बिकॉज़ हमारा ये प्ले होने वाला था बड़े भाई साहब, इसमें मेरा रोल था छोटे भाई का, तो उसके लिए मैंने बहुत रिहर्सल की प्रैक्टिस की, देन फिर ये शो हुआ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया यूट्यूब पर कोई भी। और कैसे लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस ज़रूर बताना कमेंट करके, और भी कैरेक्टर्स हैं उनका कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस वो भी बताना। और ये जो शो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब से लिया गया है, जो बहुत बड़े लेखक हैं, जो कहानी रचयिता हैं उनसे लिया गया है। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये प्ले, गुजारिश है आपको अच्छा ही लगा होगा, और आगे भी ऐसे प्लेज और मेरे व्लॉग्स में जहाँ भी जाऊँगा वो आते रहेंगे। सी यू गाइस।